दोस्तों, जैसा कि अपने गांव से लगभग 87 किलोमीटर दूर एक गांव है ग्राम अजनौर, जो टीकमगढ़ और बोहरा के बीच में पड़ता है। यहां पे एक सांप ने किसी को बाइट कर लिया है, दादाजी को, और मेरे पास कॉल आया था कि उनकी डेथ हो गई है। हम लोग उस गाँव पहुँच चुके हैं और हमारे सहयोगी भाई है अमर सिंह जी, हमारे साथ में आ चुके हैं। आज बुलाते हैं उनके, काफ़ी अच्छा सहयोग करते हैं, और हमारे भाई भी कुछ सांपों का रेस्क्यू अच्छे से करते हैं। उनसे आज बहुत दिनों में मुलाकात हुई है, तो हमारे भाई ने थोड़ा कॉल किया था। आइए दिखाते हैं आपको कौन सा सांप है, कहाँ पे है। कितने टाइम काटो तो बड़ी मम्मी को निकाल दो, इन्हें बाइक को निकाल दो, निकल जाओ। हम लोग का तो मम्मी तो इतनी स्पेशल कोबरा है, और दोस्तों बहुत ही बड़ा साइज का सांप है। यहाँ कोई छेदा इधर तो नहीं है, कोई दल्ला आप निकल जाइए बाहर। तुमने कहा जाओ वो तुम्हें पहुंचा दे भारत। जाके को देख लो पूरा पहले जब काट हो तो तब तीनों ने देखो, कौन देखो
एक बार पाँच चार महीना के अंतराल से छोड़ा थी, साल में तीन बार छोड़ कर दिया। दो कैसे मिली थी? दो मिली तो दो साल का सर रहा कम से कम, चार छह सात महीना अपना दल ला देखने आप आ दल्ला देखने के बगल में दल्ला नहीं उज्जत पे अपना पानी भरने आ रहा हम तीन की जो ढक्कन नहीं है दो में से हो जाओ नन्ना तनक तुम आ जाओ के लिए जने वृंदावन एक जने आ जाओ सब जने बगा हो जाओ तनक क्या वो मिट्टी के बाद हमने देख लो ज्यादा जने नहीं आज जय में एक जना ने कहा तो धीरे धीरे क्या उसमें जगह है उसमें जा भी सकता है ऊपर अच्छे लगे घोष समाज की एक लेडीज कंडा उठावे गई एक दा उठा ले दूसरा गई अब जिते जे अबे अबे जे दादा जोन में खाना पीना रखो तो बताओ मैं इतनी खड़बड़ नकड़ी जो दो दो का रखा जरत के नहीं थे उनके लायक आ रहते मोए बस काम पूरी तन्नई खट्टी पूरी तन्नई खट्टी चूहे चूहा होगा सर जो जहाँ चूहा है सांप नहीं आई तो नीचे थे चूहा शिकार के लाना सांप आउट जहाँ चूहा जाए सांप पहचान है चले जाओ फूट पे का चले जाओ भगत जाओ मन तो चलो जाए ये कुटिया तो मैं बनाई नहीं हां और की बना दे दही से कुटिया आवाज साड़ी से मैं खुआ बनाऊ तेरे उनके जो नीचे उनके जमाने की जे रही लो दा रे तू ऐसा कचरा जमा मत कर घर में ही कचरा तो बहुत पानी बहुत इतना ही अल्लाह का काम तो पन नहीं हो जाता जो मत पकड़ो जो पकड़ो अच्छे से मन मन के हट जा कुटिया के नीचे आ कुटिया के ऊपर आ जा ऊपर काट दो हमें।
बोने रज्जे यार मैं कने करना पड़े दबालो बस मैं भी गिलाफ चलो गिलाफ पकड़ो पकड़ो दबा दो यार तुम दूर भाग जा तुम ऐसा मत दूर भाग जा यार दूर पीछे वाला लो जो है लो लो हम दबा लें दूर जा दूर कहना तो जल्दी जो पेड़ा चलो जी हम विष्णु हाथ दो गिलाफ अगर हम भाग गए नहीं होते तो अरे हट जाओ आप हट जाओ हर का दूर हो जाओ तुम्हारे तू हो जाए गली छोड़ दो अच्छे से पहना तू है पैर को पहन लो नहीं पहनो नहीं पहनो अबे इसे लगवा रहा बताओ हट जाओ आता ना डरो दूर रहा तुम दूर विष्णु को जंप मारा है आप पकड़ लो आप पकड़ लो जो पकड़ लो नहीं पकड़ो है जिस कमरे में काटा था उस कमरे से थोड़ा दूसरे कमरे में आ चुका था चलिए बाहर लेके चलते हैं सांप को तुम लोग चलो नकली यार हमारे मुड़ी पे चढ़ने का चक्कर विष्णु भाई थोड़ा उम्र खाने कर नजदीक पहुँच रहा हूँ दोस्तों सांप को हम लोगों ने निकाल लिया है मतलब इंडियन स्पेशल कोबरा सांप है दोस्तों जब ये किसी को काटता है तो इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है तो जब ये सांप किसी को बाइट कर लेता है तो कहीं ना झाड़ फूँक ना कोई मंदिर पर ना संक्रमण कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं रहती है इसे निकालना और दोस्तों इस सांप का हमेशा आवाज मत कीजिए हल्ला नहीं करो शांत रहो ना देखने के शाम में हमेशा दो ही दांत पाया जाता है छोटा सी लड़ाई से लंबी जाने लंबी जाने लंबी हां लंबी जैसे सिंह भैया पहले नकद जाकी बानी लंबी जाने क्या होगी दांत निकाल लेना किसी को बात करता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं झाड़ फूक की कहीं कहीं देखिए देखिए देखो देखिए हमारे सम्मानित दादाजी देव इतना देर वीडियो बना रहा है और बना रहा बना बना रहा बना बना जितना जहर उसने छोड़ दिया जितना जहर उसने यहाँ पे छोड़ दिया ये वाला जहर जो छोड़ दिया यहाँ पे क्योंकि तुमने 60-70 लोगों की जान ले लिया इतना ही जहर तो जब भी ये सब किसी को बात करता है ये दाद इसका ये होता है ये छोड़ रहा है और दूसरा दाद इसका ये ऊपर ना तो दो दाद भाईचा भी एक और है एक और है भाईचा भी एक और है वो क्या होगा कहाँ झील है इसको पहले मैं बल आए चा भी कुल है अरे कोई इससे बड़ा ही है बड़ा है ना जो तो छोटा ही है हाँ वीडियो बना वीडियो बना तो हमारे मित्र है अमर सिंह जी इन्होंने हमको कॉल किया था सुबह जी कि हमारे यहाँ दादाजी को सांप काटने से उनकी डेथ हो गई है और वो अपने देहात में क्या होता है कि अंधविश्वास के कारण लोगों की जान चली जाती है
तो हमारे गांव से अभी पिछले साल एक बच्ची की जान चली गई थी यही बगाज माता मंदिर पे, करीब 3 घंटे वो झाड़फूंक कराते रहे लेकिन वो लड़की नहीं बच पाई थी। अगर ये सांप काटता है तो हम लोगों को संपर्क कर फोटो भेजो उसका, उसके सामने काटा उसका मार देंगे। और डायरेक्ट किसी को भी सांप काटता है तो सीधा हॉस्पिटल जाइए, आप वहाँ पर इलाज मिलता है। तो आप वहाँ पर जाकर अपना इलाज कराएं और अपनी जान बचाएं। उसको इस सांप से कभी कोई खिलवाड़ ना करे, जैसे हम लोग पकड़ते हैं सांप कभी ना पकड़े। उसको जो दादाजी की जो किसी भी घर में सांप निकलता है तो हमारे बड़ा गांव क्षेत्र में हमारे भाई हमारे सिंह जी रहते हैं, टीका मंडी के पास भी संपर्क कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट विभाग भी अपने यहाँ फॉरेस्ट विभाग को संपर्क कर सकते हैं। अब जो हमारे बीच में दादाजी तो रहे नहीं, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी अंदर जाते हैं, इसको पैक करके दूसरा भी सांप देखते हैं वहाँ है या नहीं, इसको भी खोज जारी रखते हैं। तो अब आप लोग जितनी ये पब्लिक है हमने सबको इसलिए समझाया है, हमारे हाथ से छूट गया फिर क्या करोगे आप? ये जो हमारे हाथ से छूट गया फिर आप क्या करोगे? फिर हम लोग पैक करते हैं। सही बात कहे जो अनुभव न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है, अपने सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे अपन लोगों को मतलब बोलते हैं अपन उसमें से कोमा में, तो 2 से 3 घंटे का टाइम देता है सांप हमेशा बचने का। और अपने टाइम में चाहे अपन इलाज करा लो चाहे झाड़ फूंका मारो, अगर इलाज सही टाइम पर हो गया तो आदमी की जान बच जाती है। बाकी आप दूर लगे अपने यहाँ भी कुछ लोग बोल रहे थे कि उसको सफेदों को बुलाइए, सफेदों को भीड़ से निकालेगा। ये सांप कभी भीड़ से निकलता नहीं है, उसके सामने कुछ भी हिलाव डलाव ये सांप काटेगा, बराबर काटेगा। ना तो ये सांप भीड़ पे नाचता है, ना ही कभी कोई सांप भीड़ से निकलता है। अगर कोई सांप भीड़ से निकाल के दिखा दूँ तो मैं उसकी जिंदगी का गुलामी करूँगा। अरे पेड़ लो आ मैं से धन्ना बेटा पेड़ दे बेटा दो पेड़ दे हमारा दे भाई बहुत उनके हाल में देखो तो हां अब हम तो लटका पे लगाओ कम चला गए हैं तो मैं भी हां खोल दो दबा लो पहले वो सब पेड़ लो गोली पेड़ है तो आप सही है। आप क्या क्या बढ़ गया ना भाई जब भी बोला ये देख रहा है अरे तो रुको तो कठा लगा दो
जी सही आदमी है, आप पहले गए इनको लंबा है ले लीजिए का यही काम रहता है, रात में कॉल करे हम लोग की निःशुल्क सेवा रहती है। जो तो नाम नहीं है तो हमारी एक बात हल्ला मची थी। यहाँ जो भ्रम रहता है एक नांगन छोटा सा होता है, छोटा है साफ होता है, नांगन जब फुल साइज का हो जाता है 3 से 4 फीट 5 फीट तब वो अंडे देती है। नांगन छोटी अंडे कोई नांगन अंडे नहीं दे सकती, और कम से कम 15 से 30 अंडे 35 अंडे तक देती है नांगन। इस भ्रम में कभी मत रहे कि छोटी है तो नांगन है, बड़ा है तो नांग है। जी कू है और दूसरी बात दोस्तों बताएं, जो अपने यहाँ जहर का बोलते हैं बिस्क खोपड़ा घोरे में जहर होता है, उसमें जहर बिल्कुल ना भी पाया जाता है। आप मेरा वीडियो देखा कभी, मैं अभी वीडियो पास में डाला था, मैं दो दो घोरे से मैंने एक हाथ कटवाया अपने हाथों में, तो जोर से हार्ट अटैक या उसके अंदर वो आ गई, तो हाँ उस वजह से आप लोग दूर रहो। जहर नाम मात का नहीं होता। अपने यहाँ अपने बुंदेलखंड में 2-3 सांप ही जहरीले होते हैं, जैसे कॉमन गैस हुआ, कई गड़ा था बोलते हैं, सही बात, रसल सुबह में यानी चीतल बोलते हैं, हाँ ये काला नाम इस पर जानता है। अच्छा वो देखने आपको है उसमें देखते हैं, देख लेते हैं अंदर जाएंगे तो हमारे साथ। अरे कोई नहीं जाएगा अंदर, हाल देखिए क्या हो गया, ये जाए अकेले कोई नहीं जाए, हमारे तुम आराम से देख लो, हमारे साथ काफी काम कर। अरे दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने एक सांप को पकड़ के उसको पैक कर लिया है, लेकिन वहाँ पे दूसरा सांप भी दिखा गया, लेकिन दूसरा सांप नहीं है। इसी सांप ने 2 बार वहाँ पे कैच भी छोड़ी हुई है, कम से कम वो लगभग 1 साल का सांप रुका हुआ होगा वहाँ, इसलिए हम लोगों ने उसको पैक कर लिया है। तो मैंने यहाँ सब ग्रामवासी एवं हमारे दादाजी के जो रिश्तेदार यहाँ में मौजूद है सबको भी समझा दिया है, कभी भी अगर सांप काटता है तो झाड़ फूक के चक्कर मत पड़े और सही समय पर इलाज कराएं, ताकि लोगों की जान ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि हमारे टीका मंत्री से लगभग हमारे पास अभी 10-15 कॉल आ चुके हैं जिनकी डेथ हो गई है, उसी कारण में डेथ हुई है जिस कारण से झाड़ फूक में बड़ी रही अंधविश्वासी कारण उनकी मौत हुई है। दोस्तों सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे अंधविश्वास मत पड़े। हाँ सांप जब ये सांप काटता है तो अपन को 2 से 3 घंटे का टाइम देता है, तो हर आदमी से सलाह मनने या ना वहाँ पे पब्लिक जमा होने दें, क्योंकि पब्लिक सिटी से ही ज़्यादा मौत हो जाती है। किसी ने अगर डरा दिया घबरा दिया कि सांप ने काट लिया, हो सकता है कोई बगैर जहरीला सांप हो, जिस सांप व्यक्ति को सांप काटता है उसको डराए मत, ना ही कभी उस पर किसी को हाथ बांधे ना पैर बांधे, क्योंकि उसका नस बांधने से और ज़्यादा घातक जहर बन जा फैल जा रहा है, क्योंकि नस भी फाड़ सकता है। तो दोस्तों चलते हम लोग, आप लोगों से कोई हमसे कोई गलती हुई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने कल एक सांप रेस्क्यू किया था हमारे गांव से लगभग 87 किलोमीटर दूर ग्राम अजनौर में, वहां हमारे वृद्ध दादाजी की मौत हो गई थी, तो हम लोग उनको तो कोई नहीं बचा सकता, वो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन हम लोग उनका सांप रेस्क्यू करके लाए थे कल शाम को, तो क्योंकि पानी गिरने लगा था, रात हो गई थी, इसलिए हम लोग सुबह से उठकर इस सांप को छोड़ने के लिए आए हैं। काफ़ी वहाँ लोगों को समझाइश दी गई हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ अंधविश्वास के चक्कर में ही दादाजी की मौत हुई है, और हम लोग इस सांप को जाने देते हैं, और कभी भी दोस्तों अंधविश्वास में मत पड़ें, क्योंकि अंधविश्वास से ही लोगों की जान जाती है। फिलहाल इसको हम लोग रीच करते हैं सांप को, दोस्तों बहुत ही गुस्से में है सांप, क्योंकि इसने एक आदमी की जान ले ली है, लेकिन इन चीज़ों को इससे कोई लेना देना नहीं रहता है सांपों को, कि हमने किसको काट लिया कौन मर गया, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाहर आ जाओ, दोस्तों बहुत ही आक्रामक सांप है ये, क्योंकि इसको अभी 24 घंटा नहीं हुआ, 24 घंटा के अंदर ही अंदर इसने एक व्यक्ति की जान ले ली है। दोस्तों बहुत गुस्से में तो सांप है ही ये।
क्योंकि दोस्तों कितनी अकड़ लगा रहा है और उतना ही काटने में माहिर सांप। देखिए देखिए कितना जोर का झटका मार के काटता है दोस्तों। कभी भी अगर ये सांप किसी को काट लेता है तो झाड़ फूंक ओजागुनी के चक्कर में मत जाए, नहीं तो ये सीधी 13वें दिन भोजन ही करवा देता है। देखिए बहुत जोर का काटता है दोस्तों। फिलहाल हम लोग इस सांप को भी जान देंगे क्योंकि इसको ज़्यादा परेशान ना कहते हुए। और दोस्तों ये क्या है, बेजुबान है। अगर ये जानता होता कि मैं अगर किसी को काटूंगा कोई मर जाएगा तो ये क्यों काटता है अगर जानता हुआ, लेकिन बेजुबान है। इसके ऊपर तो किसी का पैर पड़ गया तो तुरंत ही काट लेता है। तो दोस्तों हम लोग इसको जान देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हर हमारा हर लोगों से निवेदन रहता है कि कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़े। जैसे ही किसी को सांप बाइट करता है तो सीधा जिला अस्पताल जाएं, वहाँ पे इलाज मुफ्त मिलता है, अपना उपचार कराएं और ताकि लोगों की जान बच सके। क्योंकि दोस्तों अभी पानी बरसने के लिए 10-15 ही दिन हुआ है, तब से हमारे पास बहुत सारा वीडियो फोटो आ चुका है। हमारे ज़िले में लगभग 10-12 मौतें हो चुकी हैं सिर्फ अंधविश्वास के कारण। दोस्तों इस सांप को हम लोग जान देते हैं यहाँ जंगल झाड़ियों में। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।